दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में एक अलग ही दुनिया है और इस दुनिया में तरह तरह के कारनामे होते रहते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये सब अब होने लगा है, सालों पहले से फिल्म इंडस्ट्री में ये सब होता आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिसने लालच के चलते कोर्ट के सामने ये कबूल लिया था कि वो वैश्यावृत्ति करती है। दोस्तों, ये सुनकर आपको भी आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन ये सब बिल्कुल सच है। कौन है वो अभिनेत्री और क्या है ये पूरा वाक्य, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर, आंखें फिल्म का ये सॉन्ग काफी हिट हुआ था और आपको याद भी होगा जिसमें धर्मेंद्र एक सामने से मिल रहे प्रेम प्रस्ताव को जासूस होने के चलते ठुकरा देते हैं। फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री थी माला सिन्हा, जिन्होंने बॉलीवुड में 50 साल काम किया, लेकिन अब वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब हैं। नेपाली मूल की भारत में जन्मी माला सिन्हा का असली नाम आलदा सिन्हा था और जब बचपन में वो कलकत्ता में पढ़ती थी तो सहपाठी उन्हें डालडा के नाम से चिढ़ाते थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर नजमा कर लिया और इसी नाम से पहला एक्टिंग रोल भी पाया। बचपन में उन्होंने नाच और गाना दोनों सीखा, जिसके चलते उन्हें AIR में सिंगिंग का काम भी मिल गया था, लेकिन उनकी असल मंजिल एक्टिंग थी और वहां उन्हें माला सिन्हा के नाम से जाना गया। शुरुआत में उन्हें बंगाली फिल्मों में काम मिला, लेकिन गीता बाली ने उन्हें देखा और तब बादशाह फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की। जब माला सिन्हा हिंदी फिल्मों में काम करने मुंबई आई तब रुपहले पर्दे पर नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला और नूतन जैसी प्रतिभाएं अपने जलवे बिखेर रही थीं। माला के लगभग साथ साथ वैजंती माला और वहीदा रहमान भी इंडस्ट्री में आई थीं। इन सबके बीच अपनी पहचान बनाना बेहद कठिन काम था। ऐसे में माला का कमाल ही कहना होगा कि वो पूरी तरह से कामयाब रही। 1957 में आई प्यासा ने माला सिन्हा की किस्मत बदल दी थी। इस फिल्म में उनकी अदाकारी को आज भी लोग याद करते हैं। इसके बाद तो जैसे समय ही बदल गया। फिल्म जहां आरा में माला सिन्हा ने शाहजहां की बेटी जहां आरा का किरदार खूबसूरती से निभाया। फिल्म मर्यादा में उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी। माला ने बॉलीवुड के अलावा कई भाषाओं में काम किया। उन्होंने अपने वतन नेपाल की भी फिल्मों में काम किया और वहीं शूटिंग के दौरान उन्हें एक्टर लोहानी से प्यार हो गया था और दोनों ने शादी भी कर ली थी। बाद में लोहानी व्यापारी बन गए और नेपाल में रहने लगे, जबकि माला एक्टिंग के लिए भारत आ गईं। दोनों की एक बेटी भी हुई जिसकी देखभाल नानी करती थी, लेकिन उनकी नानी कुछ ही सालों बाद गुजर गईं। लेकिन एक घटना के चलते माला सिन्हा को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा और वो दक्षिण भारत में बस गईं। असल में जब गुलशन कुमार की हत्या हुई तो उसका आरोप नदीम पर लगा था। खबरें थीं कि गुलशन कुमार को मारने वाले संगीतकार नदीम से उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उसने ही उन्हें चेन्नई शिफ्ट करवा दिया था। इसी के चलते दोनों माँ बेटी अब भी दक्षिण भारत में ही रहते हैं। दोस्तों, असल में जब माला करियर के टॉप पर थी तो उनके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, जिसमें उनके घर से 12 लाख रुपए की नकद बरामद हुई थी, जो कि तब बहुत बड़ी रकम थी। कोर्ट ने ये पैसे जब्त कर लिए, लेकिन कहा कि अगर सिन्हा मान लें कि ये पैसे उनके किसी निजी आय स्रोत के हैं तो ये पैसे उन्हें वापस मिल सकते हैं। अपने वकील के कहने पर माला ने ये मान लिया कि वो पैसा वैश्यावृत्ति से कमाया गया है। इसके बाद उन्हें वो पैसा वापस मिल गया। उस समय सबको लगता था कि माला ऐसा कभी नहीं कहेंगी, भले ही वो पैसा जाता है तो जाए, लेकिन उनके पिता लालची इंसान थे और इतनी मोटी रकम वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। ये मजबूरी थी या सच्चाई थी ये तो पता नहीं, लेकिन माला सिन्हा ने कोर्ट में ये स्वीकार कर लिया कि वो धंधा करती हैं और उन्हें ये पैसा वहीं से मिला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।